हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं जो आज एग्ज़ाम था पैट का फर्स्ट शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन बता रही हूँ। तो किस टाइप का क्वेश्चन आया था देखिए, आज का फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा आया था। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट थोड़ा ठीक था, मॉडरेट लेवल था। देखिए क्वेश्चन था उसमें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि कहाँ के थे ये पूछा था, बिहार के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आया था कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश यानी कि जस्टिस कौन थे? तो कौन थे? नाथुला पंत वेंकट रमन थे। ठीक है, नाथुला पंत वेंकट रमन। वेंकट रमन तो नाम सबको पता रहता है, लेकिन उसमें ऑप्शन में क्या दे दिया था, ये नाथुला पंत करके दे दिया था, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन ये यही ऑप्शन उसमें सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष हमारी एनी बेसेंट थी, जो कि क्या थी, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में वो क्या थी, अध्यक्ष थी उस टाइम की। तो हमारी प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी पूछा था, मनसुख मांडविया हैं, मनसुख मांडविया। ओके, और ये भी क्वेश्चन पूछा, इजराइल के संसद में सदस्य कितने हैं? तो कितनी सदस्य संख्या होती है इजराइल की संसद में? 120 होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा था। आसियान संगठन के देशों में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आसियान में आसियान संगठन में देश जो हैं कितने हैं, कितनी संख्या आती है देश की? तो वो 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। अब ये 2019 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया, ये क्वेश्चन आया था। तो 2019 में भारत में जो भारत रत्न जो है वो दिया गया था, ये मरणोपरांत गायक संगीत, देखिए किसको किसको दिया गया था 2019 को। सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला है, और गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका को मिला है मरणोपरांत मरने के बाद। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। यानी कि ये तीन जो हैं, तीन लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। किसे किसे? नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका और कौन, प्रणब मुखर्जी। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया, देने की घोषणा करी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ था क्वेश्चन। तो देखिए, और नेक्स्ट क्या पूछा था कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलोज फिरोज खुल खिलजी हैं। ये क्वेश्चन भी आया था। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? नील नदी है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी भी कही जाती है। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। ये क्वेश्चन भी आया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आया था। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? स्वेज नहर, ये क्वेश्चन पूछा था। तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है? देखिए, जोड़ती है ये स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य में है? तो ये केरल में है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मोस्टली आता है, लिंगानुपात केरल का है सबसे ज़्यादा, ये पूछा था। और लिंगानुपात कितना है? 1084 केरल पुरुषों पर महिला की संख्या है, यानी कि 1084 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, इतना ये अनुपात है केरल का। ठीक है, भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा था। 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और भारत सरकार ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण यानी कि नाम बदलकर इसका क्या नाम कर दिया था? भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है,
स्टेट भारत में स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, और इसका भारतीय स्टेट बैंक कब नाम रख दिया गया था, 1955 में ही रख दिया था, 1 जुलाई 1955 में ही। पहले क्या नाम था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, लेकिन अब क्या है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, ठीक है। फेडरल बैंक के CEO कौन है, श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के CEO कौन है, श्याम श्रीनिवासन। ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, देखिए कितना अच्छी क्वेश्चन आया था, CEO पूछ लिए थे। चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, एज एल्ड्रिन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये पूछ लिया था, पृथ्वी का सबसे कौन सा नज़दीक ग्रह पूछा था, तो नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह आता है, शुक्र आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा था, ओके। COP 26 कहाँ हुआ था, ये अभी हाल ही में COP 26 आयोजन हुआ था एक, वो क्वेश्चन में देखो पूछा गया था, तो COP 26 2020 में ये स्थगित कर दिया गया था, जो अभी नवंबर 2021 में कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ, कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी है। RBI का पहला गवर्नर कौन है, RBI का एडम स्मिथ थे, जो हमारे ओसबर्न, सर ओसबर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, कौन थे, सर ओसबर्न स्मिथ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, कि सर ओसबर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एंड फर्स्ट इंडिया गवर्नर, इंडिया के पहले फर्स्ट गवर्नर कौन थे, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था उसमें, कि उसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ये है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो सबसे ऊंची इमारत है इम्पीरियल टावर, जिसकी ऊंचाई है 833 फीट, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में ये इम्पीरियल टावर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़पेपर में, हर जगह बहुत ज़्यादा हेडलाइन में रहा था, तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया था। और ये फेमा का पूरा नाम पूछ लिया था, तो फेमा का पूरा नाम क्या है, ये पूछ लिया था, तो फेमा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आ सकता है, इस टाइप के ये फर्स्ट शिफ्ट में हमारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब सेकंड शिफ्ट में भी आने के चांसेस हैं, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख के जाइए, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप देख कर ज़रूर जाइए और अंत तक देखिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और अगर दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकन में आल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपको डालती हूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए, और आप अपने दोस्तों में शेयर करिए मेरे चैनल को। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है Study54 के ही नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके लिए वहाँ पे भी कंटेंट मिलता रहता है, वो भी आपको मिल सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऑल द बेस्ट। सेकंड शिफ्ट में जिन लोगों का एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें, उनके लिए बेस्ट विशेस, और एकदम घबराहट ना हो उन्हें, अच्छे से पेपर दें, माइंड को क्लियर रखें, एकदम शांत रखें, और ठंडा पानी पीकर ज़रूर बैठें, ओके, ठीक है।